नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। एक मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अलग अलग तरह के पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लेके। वो ऑनलाइन कॉल करते हैं, ऑफलाइन आते हैं, या ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, तो वो मेनली कौन से प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास में आते हैं और उसको हम क्या इलाज करते हैं बताने वाला हूँ। तो ये 27 साल का लड़का है और इन्होंने लिखा है कि भाई इरेक्शन नहीं आता है, शादी होने की बाकी है, इरेक्शन नहीं आ रहा है। और फिर इसमें वो दिन भर ये रहता है उसके दिमाग में कि इरेक्शन नहीं आ रहा है, मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, मैं आदमी में हूँ कि नहीं हूँ, बाकी लोग तो बोलते हैं कि इरेक्शन आ रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है। ऐसा मतलब उसका दिन भर कोई प्री ऑक्यूपेशन रहता है वो थॉट में। और फिर उसको मैंने दवाई दिया तो दवाई देने के बाद में उसको इरेक्शन आना चालू हो गया। इरेक्शन आ रहा, दिन में आ रहा, रात में आ रहा, इरेक्शन हो रहा, मगर अभी उसको क्या हो रहा है कि वो दवा से साइड इफेक्ट हो रहा है। उसको उल्टी जैसा लगता है, जी मचलाता है, थकान आती है, ऐसा बोल रहा। फिर मैंने उसको बताया कि भाई ये जो दवाई है इतनी कम मात्रा में दे रहा हूं मैं, इसे नहीं होता है वैसा। उसका कहना था कि नहीं दवाई से हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है, देखो आपका खाना पीना क्या है, कैसा है, तो उसमें हो सकता है कि भाई उल्टी जैसा लग रहा है आपको। तो उसको मैंने फिर उसकी भी दवा दिया कि भाई पेट साफ होने की या उल्टी नहीं होना चाहिए। उसका ये भी कहना था कि इरेक्शन नहीं आता है और पॉर्न देखने के समय इरेक्शन आता है। इसका ही मतलब क्या हो गया, पॉर्न देखने के समय इरेक्शन आता है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड वेसल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शारीरिक बीमारी नहीं है। पॉर्न देखते देखते मेंटल एक्साइटमेंट अच्छा हो जाता है और उससे फिर इरेक्शन आता है। इसका मतलब ये क्या है कि उसको इरेक्शन जो नहीं आ रहा है वो मेंटल एक्साइटमेंट, मतलब सेक्सुअल एक्साइटमेंट कम है, उसके वजह से हो रहा है। और उसको वो पॉर्न देखना पड़ता है और वहां से उसको एक्साइटमेंट आ रहा है और वहां से उसको इरेक्शन आ रहा है। तो मैंने ऐसा पॉर्न देखना ठीक है कि नहीं है, मैंने बोला मेरा एक अलग से वीडियो है वो देख लेना है। पॉर्न देखना अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं, पॉर्न एडिक्शन बुरा है। मैंने उसमें डिटेल बोला हुआ है कि भाई पॉर्न का महत्व क्या है, पॉर्न देखना सही है नहीं है। मैंने इतने बोला कि ठीक है, कुछ दिन तक आप पॉर्न देख देख के एक्साइटमेंट कॉज कर सकते हो, एक बार का आपको इंटरेस्ट आना चालू हो गया तो फिर ठीक हो जाएगा। बोले नहीं, अभी मेरी शादी होने वाली है, उसके साथ में मैं एक दो बार फिजिकल करने की कोशिश किया और वहाँ इरेक्शन नहीं आया। बोले ठीक है, हो जाएगा, तो अभी क्या करो कि पॉर्न देखो, इरेक्शन लाओ, फिर सेक्स करो और फिर एक बार रूटीन में आ गया बाद में फिर पॉर्न देखना बंद करो, या फिर वो कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको दवाई देता हूँ। फिर उसको मैंने दवाई दिया कि भाई ये सेक्स करने के 2 घंटा पहले दवाई खाओ, दवाई से अच्छा इरेक्शन आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और एक बार आपका लाइन पे आ गया वो कॉन्फिडेंस आ गया, बाद में दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया मैंने और अभी उसने बाद में रिपोर्ट किया मुझे कि भाई शादी भी हो गई, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है और जो इरेक्शन का जो प्रॉब्लम था कि इरेक्शन नहीं आ रहा है वो भी निकल गया। एक्चुअली उसको था परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, उसको काउंसिलिंग और दवाई से वो अच्छा हो गया। ये भी आपको अच्छा लगा था जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।